दोस्तों, इस वक्त अगर पूरी दुनिया की नजर किसी देश पर है तो वो है भारत। आज भारत पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है और इसकी वजह है भारत का तेजी से ग्रोथ करना। भारत एक तरफ जहां अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हर सेक्टर में सक्सेस हासिल करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी टेक्नोलॉजी भी बढ़ाता जा रहा है और महारत हासिल करता जा रहा है, जिससे अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों के होश उड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की तकनीक को देखकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और तकनीक की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले एलन मस्क भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि वो भी भारत को लेकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि एक विकासशील देश भी कुछ ऐसा कर सकता है। दरअसल एनर्जी के सेक्टर में भारत ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। भारत ने अपनी जमीन को तीन तरफ से समुद्र से घिरे होने का ऐसा फायदा उठाया है कि सभी देश उसकी इस कामयाबी को सलाम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने ऐसी कौन सी तकनीक खोज निकाली है जिससे भविष्य की क्रांति कहा जा रहा है, और इस कामयाबी को हासिल करने के बाद भारत सुपर पावर बन जाएगा। तो आप इन सब को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज भारत अंतरिक्ष से लेकर धरती और समुद्र तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, जिससे चीन ड्रैगन के होश उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो भारत को परेशान करने और उसे पीछे धकेलने के लिए हर तरह के पैंतरे अपनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक रॉकेट्स को डेवलप करता जा रहा है, जो चीन की नींद उड़ा रहे हैं। वहीं अभी दुनिया को भारत की कामयाबी पच भी नहीं पाई थी कि उसने एनर्जी के सेक्टर में ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज उठी है। दोस्तों, बिजली के उत्पादन में कई आविष्कार किए गए हैं। वहीं कोयले से बिजली बनाने के नुकसान दुनिया देख ही चुकी है। इससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है, साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हवा से और सूरज की किरणों से बिजली बनाने की खोज की गई, जो अभी तक सबसे साफ सुथरा तरीका माना जाता है। लेकिन भारत ने अब ऐसी तकनीक खोज ली है जिससे बिजली का उत्पादन करना सस्ता तो होगा ही, साथ ही को फ्रेंडली भी होगा, यानी कि तकनीक में प्रदूषण नहीं फैलेगा। इस प्रोसेस में समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तकनीक पर काम करते हुए भारत कामयाबी हासिल कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर को विकसित किया है। ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर को सिंधुजा वन नाम दिया गया है, जिसका मतलब है महासागरों से उत्पन्न, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस उपकरण का परीक्षण काफी सफल रहा है। इस उपकरण को तमिलनाडु के तोतीकोरिन तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर और 20 मीटर की गहराई में लगाया गया है, जो अगले 3 सालों तक समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इससे बिना किसी प्रदूषण के बिजली उत्पादित की जा सकेगी। वैसे तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो इस तरह की तकनीक के जरिए 500 गीगावाट पैदा करे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि हमें कितनी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन यहाँ ये जान लेते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। दोस्तों, सिंधुजा वन नाम की परियोजना के तहत एस्टेब्लिश उपकरण में फ्लोटिंग बॉय, लंबी स्पार और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल शामिल हैं। जब समुद्री लहर ऊपर और नीचे होती हैं, तो गुब्बारे के समान फ्लोटिंग बायो भी ऊपर और नीचे होती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन कुछ इस तरह है कि गुब्बारे जैसा होता है, जिसके सेंटर में एक छेद होता है, जिससे होकर एक लंबी छड़ गुजरती है, जिसे स्पार कहा जाता है। स्पार को समुद्र तल में स्थापित किया जा सकता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाली लहरें इसे प्रभावित नहीं कर सके। वहीं इसके बीच एक रिलेक्टेड मोशन आसानी से हो सके। इसी रिलेक्टेड मोशन से इलेक्ट्रो जनरेटर आसानी से घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। उपकरण के मौजूदा डिजाइन में स्पार तैरता रहता है और मूरिंग चेन सिस्टम को अपने स्थान पर बनाए रखती है। आपको बता दें कि IIT मद्रास ने ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर का परीक्षण वीरिया परमिता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से किया है। इस उपकरण को ऐसे दूरस्थ तटीय स्थानों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जहां बिजली और संचार के विश्वसनीय स्रोतों की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के टारगेट स्टेक होल्डर्स में तेल, गैस कंपनियां, रक्षा प्रतिष्ठान और संचार क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, भारत का इस तरह की तकनीक के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर है, जो 54 गीगावाट बिजली उत्पन्न कर सकती है, जो पूरे देश की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा भारत का लक्ष्य ये भी है कि वो कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सके, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वो आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र तट के इलाके डूब रहे हैं,
और अगर ऐसा ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस धरती से इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए कार्बन के उत्सर्जन को खत्म करना होगा और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान देना होगा। इस मामले में भारत भी बहुत तेजी से काम कर रहा है और कामयाब भी होता जा रहा है। वो धीरे धीरे सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत की इस ताकत से उसके दुश्मन घबरा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अरब देशों की बढ़ती दादागिरी खत्म करने के लिए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप किया है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग बढ़ेगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल भारी वाहन चलाने के लिए भी किया जाएगा। रेल और उद्योगों में भी इसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा, इसलिए रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। वहीं कार्गो जहाज, कार और लंबी दूरी तक चलने वाले ट्रकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बनाया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से मुक्त होती है। आपको बता दें कि वैसे हाइड्रोजन बनाने के दो तरीके हैं। पहला, पानी में से बिजली को गुजारा जाता है। दूसरा, प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल होती है, उससे बनने वाली हाइड्रोजन ग्रीन कहलाती है। जानकारों का कहना है कि ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील और भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर जिस स्तर पर तैयारियां कर रही है, इससे एक बात तो साफ है कि सरकार को तमाम बड़ी कंपनियों को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन पर लगाया गया दांव अगर सफल रहा तो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल आ सकता है। दोस्तों, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से भारत ने तकनीक के मामले में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। क्योंकि एक समय था जब ये कहा जाता था कि भारत तकनीक के मामले में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, वो पिछड़ा ही रहेगा। लेकिन आज भारत ने उन सभी देशों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं, वो भारत की कामयाबी देखते ही रह गए हैं। आज भारत एक के बाद एक क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। इस तकनीक को रूस ने डेवलप किया था, लेकिन उसने भारत को इसे देने से इनकार कर दिया था। वहीं कुछ समय पहले तो भारत को ऐसी तकनीक के लिए अमेरिका की दादागिरी तक झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और आज भारत अपने दम पर हर तरह की तकनीक इजाद करता जा रहा है और इनकी दादागिरी भी खत्म कर दी है। आज अमेरिका और रूस भारत के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं और उसके साथ चलने की बात करते हैं। इससे साफ हो जाता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया का सुपर पावर होगा।